हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? दिस इज़ मयंक। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ ऑली बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा सेशन चल रहा था सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3, ठीक है? तो बेटा, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है 125 टू पावर 120 डिवाइड बाई 124, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है ना? आपसे आज का जो आपका बेस है वो है आपका शेषफल प्रमेय से रिलेटेड। 125 की पावर आपका कितना है? 120 है, डिवाइड बाई 124, ठीक है? आपसे यहाँ पर क्या फाइंड करना है? आपको यहाँ पर दोस्त रिमाइंडर फाइंड करना है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा बेटा, 125 को जब मैं 124 से भाग दूंगा, आपका कितना बचेगा? आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? एक बचेगा, ठीक है? अगर इसी क्रम में मैं कहूँ 125 इंटू 125 डिवाइड बाई 124 करूँ, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? बेटा, वन रिमाइंडर यहाँ से बचा, वन रिमाइंडर यहाँ से बचा, दोनों का मल्टीप्लाई होकर वन आ गया। वन अपॉन 124 जब मैंने किया, न्यूमरेटर आपका बेटा डिनोमिनेटर से क्या हो? छोटा हो और पॉजिटिव हो, यानी कि अंश आपका हर से क्या हो? छोटा हो और धनात्मक हो, तब हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है? हमारा न्यूमरेटर ही वहाँ पर रिमाइंडर हो जाता है, अंश ही हमारा शेषफल हो जाता है। तो बेटा आप देखो, इसी तरह जैसे हमारा 125 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसी क्रम में हमारा क्या लिखा हुआ है? 125 की पावर 120 डिवाइड बाई आपका 124, यानी कि आपका यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा बच्चे आपका एक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, आंसर बताइएगा क्या होगा। 125 की पावर 119 डिवाइड बाई 124, फाइंड रिमाइंडर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है बच्चे कि 125 की पावर 119 है आपका डिवाइड बाई 124। बेटा 125 को 124 से भाग देंगे, हमारा एक रिमाइंडर बचेगा सिंपली वे में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं इसी क्रम में आप बढ़ूं, तो अब इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, बताइए एक बार ट्राई करिए क्या हो जाएगा बच्चा। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ 124, बेटा आपको पता है जैसे मैं 125 को भाग करता हूँ 124 से, तो आपका एक बार जाता है 124 आता है, और आपका माइनस होके बेटा कितना बचता है? यहाँ पर वन बचता है। आप क्या करते हो? आप सेकेंड वैल्यू फर्स्ट में से माइनस ही तो करते हो। अब जैसे यहाँ पर आपसे कहा गया 124 को भाग देना है आपका किससे? 125 से। मैं एक बार ले गया, मेरा कितना हो गया? 125 हो गया, लेकिन किसका? माइनस का। तो बच्चे यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आ गया? माइनस का वन यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया। कितना आ गया? माइनस का वन यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। तो माइनस वन की पावर आपकी कितनी होगी? 120 अपॉन 125। बेटा ये कितना हो गया? माइनस की पावर अगर आपकी इवन है तो आंसर आपका क्या आता है? आंसर आपका पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव आता है, यानी कि 1/125। तो बेटा 1/125 फिर से वही हमारा कलाक्रम हो गया कि न्यूमरेटर यानी कि अंश आपका हर से छोटा है और पॉजिटिव है, तो हमारा वही हमारा क्या हो जाता है दोस्त? रिमाइंडर हो जाता है, यानी कि योर आंसर इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, आंसर बताइएगा क्या होगा जल्दी से। सभी लोग, सारे लोग जल्दी से आंसर बता दो भाई, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है 124 टू पावर 119 डिवाइड बाय 125। देखिए 124 की पावर आपका कितना है 125 से? बेटा मैंने भाग दिया, यहाँ पर आपका कितने बार गया? 125 हो गया, माइनस माइनस का वन आपका बचा। माइनस वन की पावर आपकी विषम है बेटा, माइनस वन की पावर आपकी कितनी है? 119 की बटे आपका कितना हो गया? 125 हो गया। रिजल्ट बेटा आपका माइनस का वन अपॉन 125 आया। न्यूमरेटर कभी भी अर्थमेटिक में आपका निगेटिव नहीं हो सकता, सॉरी रिमाइंडर आपका कभी भी अर्थमेटिक में निगेटिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए? 125 माइनस वन करोगे कितना आएगा? 124। कितना आएगा? 124। 124 इज योर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 67 टू पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाई 68। बताओ जल्दी से क्या होगा बच्चे, जल्दी से बताइए क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 67 प्लस की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाई 68, आंसर बताइएगा क्या होगा आपका। बच्चे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे 67 की पावर 67 प्लस आपका 67 अपॉन आपका 68, मैंने जब इसको भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर बचा माइनस का 1 की पावर 67 प्लस का माइनस का 1 रिमाइंडर हमारा यहाँ से बचा अपॉन 68 हो गया। बेटा यहाँ से आपका रिमाइंडर आएगा माइनस का 1
और ये हो गया आपका माइनस का 1 अपॉन आपका 68, ये आया बेटा रिजल्ट आपका माइनस का 2 अपॉन 68। कोई ये मत कर देना कि 2 से आप 68 कट कर दो आपका 34 आ जाए, ठीक है ना, आप यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड कर रहे हो। तो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता आपका रिमाइंडर, आप क्या करोगे 68 में से 2 माइनस कर दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बेटा 66 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर बताइएगा क्या होगा। प्लीज शेयर दिस सेशन, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिए, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से दोस्त क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा। क्वेश्चन है आपका देखिए कि 9 to power 6 minus 11 डिवाइड बाई आपका कितना 88। तो बेटा यहाँ पर आपका प्लस का 1 रिमाइंडर बचा, पावर आपकी 6 है, 6 ही रहेगा, यहाँ पर आपका माइनस का 3 रिमाइंडर बचा अपॉन आपका 8। बेटा ये कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है ना, 2 आ गया, लेकिन किसका, माइनस का अपॉन आपका 8। बेटा 2 आपका निगेटिव है, निगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे 8 में से 2 माइनस कर देंगे, 6 आपका बचेगा और 6 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे। बताइए बात क्लियर है, बात क्लियर है बच्चा लोग सभी, अगर बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर बताइएगा सारे क्या हो जाएगा, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर 7 to power 62 plus 1 upon 8, 7 to power 62 plus 1 upon 8, ठीक है। अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूं तो हमारा ये नहीं लिखा हुआ है क्या, 7 to power 62 upon 8 plus 1 upon 8, ठीक है बेटा, यहाँ से आपका रिमाइंडर बचा प्लस का 1 और यहाँ से भी आपका रिमाइंडर बचा प्लस का 1 अपॉन 8, कितना आ गया 2 अपॉन 8। बेटा अंश आपका हर से छोटा है और पॉजिटिव है, तो यही आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, आंसर नंबर आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर बताएगा फाइंड द रिमाइंडर। जल्दी से कोशिश करिए सारे क्या हो जाएगा आंसर। फाइंड द रिमाइंडर बेटा कह रहा है आपसे 12 की पावर 96 प्लस 12, ठीक है, प्लस 12 डिवाइड बाई आपका 13, ठीक है, यहाँ से आपका माइनस का 1 रिमाइंडर बचा, माइनस 1 की पावर ये आपका कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1, और यहाँ से बेटा आपका माइनस का 1 रिमाइंडर बचा आपका हो गया 13। बेटा प्लस 1 और माइनस 1 कैंसल आउट होने के बाद आपका 0 बच रहा है, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0, यानी कि ये संख्या आपकी पूरी की पूरी 13 से आपकी क्या है, डिविजिबल है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर बताना। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 17 to power 66 plus 40, आंसर बताइए क्या होगा। सेवनटीन टू पावर सिक्सटी सिक्स प्लस फोर्टी अपॉन एटीन आ गया, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर मैं बात करूँ आपका कितना आ गया, माइनस का 1 की पावर 66 आ गया, प्लस का 40 में बेटा देखो 18 दूनी 36 हो जाता है, प्लस का 4 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ से अपॉन 18, ये आपका कितना आ गया, प्लस का 1 प्लस का 4 यानी कि 5/18। बेटा 5 आपका क्या है, पॉजिटिव है और आपका हर से छोटा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब अगर ये आंसर हो गया तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, अगले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए सारे क्या हो जाएगा। फाइंड द रिमाइंडर,
8 टू पावर 84 प्लस 4 अपॉन आपका 9, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। बेटा देखो यहां से आपका कितना आया, माइनस का 1 की पावर आपका कितना आया 84 प्लस का 4 अपॉन 9 आ गया, यानी कि बेटा आपका कितना आ गया माइनस का 1, ये हो गया आपका प्लस का 1 प्लस का 4 डिवाइड बाई 9। कितना आ गया बेटा आपका रिमाइंडर 5/9, न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर से, तो कितना आ गया पॉजिटिव, यानी कि आपका ये आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर। बेटा सिंपल सा है, 15 की पावर जब 86 है आपका प्लस का 16 अपॉन आपका 16, बेटा 16 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा आपका, रिमाइंडर कहाँ से बचेगा यहाँ से, कितना बचेगा माइनस का 1, पावर आपकी इवन है तो कितना आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन 16, यानी कि रिमाइंडर इज 1। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। 25 टू पावर 26, ठीक है ना, 25 टू पावर 26 25 टू पावर 26 प्लस 25 अपॉन 26, 25 टू पावर 26 प्लस का 25 अपॉन 26, कितना आ जाएगा बच्चे आपका, देखिए यहाँ से आपका माइनस का 1 की पावर इवन हो गया आपका, ठीक है ना, इवन प्लस आपका माइनस का 1 रिमाइंडर यहाँ से बचा अपॉन आपका 26। बेटा माइनस का 1 है तो इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये आपका पॉजिटिव हो गया तो प्लस 1 माइनस 1 आपका रिजल्ट कितना आ गया 0 अपॉन 26, अगर बेटा 0 आ गया तो आपका रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से सारे। कह रहा है 7 टू पावर 68 माइनस 1, ठीक है ना, 7 टू पावर 68 माइनस 1, तो देखिएगा बेटा 7 टू पावर आपका कितना हो गया 68 माइनस 1 अपॉन आपका 8, यहाँ से आपका 8 रिमाइंडर बचा, कितना बचा माइनस का 1 टू पावर आपका 68, यहाँ पर आपका माइनस का 1, ठीक है, अपॉन आपका 8, क्या हो गया प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया आपका, प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन 8, बेटा कितना आ गया अगेन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे, जल्दी से बताइए, कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर। 9 टू पावर 84 माइनस 4 अपॉन 10, भाई 9 की पावर 84 है आपका माइनस 4 अपॉन 10, ठीक है, तो ये आपका माइनस का 1 की पावर 84 हो गया, यहां से आपका माइनस 4 रिमाइंडर बचेगा अपॉन आपका 10, बेटा ये हो गया प्लस का 1 माइनस का 4 अपॉन 10, ये हो गया आपका माइनस का 3 अपॉन 10, बेटा अब क्या आया है निगेटिव आया ना, न्यूमरेटर आपका निगेटिव आया है तो आप उसको क्या करोगे एक बार माइनस कर दोगे, 10 माइनस 3 करोगे आपका कितना आएगा 7, 7 इज योर राइट आंसर। बताइए बात क्लियर है सभी को, जल्दी से बताओ बात क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने 14 मिनट, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है 12 टू पावर 96 माइनस 10 अपॉन 13, तो देखिए 12 की पावर 96 माइनस का 10 अपॉन आपका 13 हो गया, ठीक है, माइनस का 1 रिमाइंडर आपका यहां से बचा, माइनस 1 की पावर इवन माइनस 10 अपॉन आपका कितना 13, बेटा प्लस 1 माइनस 10 अपॉन 13, कितना आ गया आपका माइनस का 9 अपॉन 10 आ गया। बेटा आप देखो माइनस का 9 तो हो नहीं सकता, तो क्या 10 माइनस 9 आप करोगे कितना आएगा आपका 1 आएगा, तो यानी कि 1 इज योर राइट आंसर, 1 आपका क्या आ जाएगा यहाँ से बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आंसर बताइएगा क्या होगा, ये देखिए जल्दी से आंसर बताओ।
जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। 13 की पावर 70 माइनस का 14, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। 13 की पावर 70 -14/14, 13 to power 70 -14/14। बेटा यहाँ से आपका -1 to power 70 यानी कि +1 -14 यानी कि आपके कैंसिल हो गया, 0 हो गया अपॉन आपका 14। तो आपका रिजल्ट कितना आया बच्चे, 1 आपका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने, आंसर बताइए क्या होगा। -17/16 16। तो बेटा यहां से आपका -1 की पावर इवन -17/16, यहां से आपका कितना आया बेटा, यहां से आया आपका +1 रिमाइंडर बचेगा लेकिन -1 ही हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया देखिए, -1 ये आपका हो गया +1 -1/16 यानी कि रिमाइंडर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे, जल्दी से बताओ भाई क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। 9 to power 64 -12 9 to power 64 -12/10 बेटा यहां से आपका -1 to power +1 आ गया, -2 आपका रिमाइंडर यहां से अपॉन 10, कितना आ गया -1/10। बेटा -1 हो नहीं सकता, 10 - 1 करोगे आपका कितना आ जाएगा, 9 आपका रिमाइंडर आ जाएगा यहां से। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे जल्दी से, कम ऑन फास्ट। क्वेश्चन है आपका 12 की पावर 72 -20/13। बेटा 12 की पावर 72 यानी कि आपका -1 की पावर 72 हुआ यहाँ पे, -20 अपॉन आपका कितना 13। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आपका रिमाइंडर बचेगा बच्चे 7, ये हो गया -6/13। 13 - 6 करोगे आपका कितना आ जाएगा दोस्त, 7 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 इज योर राइट आंसर। बताइए बात क्लियर है सभी को, अगर बेटा ये बात क्लियर है तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 कि 15 की पावर आपका 90 -40 15 to power 90 -40/16। बेटा यहाँ से आपका रिमाइंडर बचेगा -1 to power 90 माइनस का ये आपका कितने बार जाएगा, -8 रिमाइंडर यहाँ से बचेगा आपका, 16 हो गया +1 -8/16 ये आ गया बच्चे आपका -7/16। 16 - 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 9 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। आई थिंक ये सेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ही स्पीड मैंने 20 सेशन किए क्योंकि आपके पास क्वेश्चन बहुत ही वनलाइनर टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो इसके नेक्स्ट लेवल में हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सेशन देखने के लिए मेरे साथ जुड़े डेली शाम को 4 बजे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें एंड सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद भारत माता की, जय, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।